Today we will talk about your human organ that is responsible for the amount of fluid in your body, detect waste in your blood and know when to release vitamins, minerals and hormones that you need to stay alive. Say hello to your kidneys. Throughout the globe, various campaigns are being run to create awareness on the importance of our kidneys to our overall health. And to gain more insights on how these bean-shaped organs are imperative for us, PBNS reached out to Senior Consultant Urologist of Sri Gangaram Hospital, Dr. Amrendra Pathak. As the life expectancy of people are increasing and people are living longer and longer, so we have more and more people who have renal diseases, and the treatment requirement for them and the burden for the kidney disease on society is increasing day by day. As per government estimate, ICMR estimate, the health-adjusted life expectancy, the kidney disease-related burden has increased 12% in over last 5-10 years. Internationally, in March on the second Thursday, this year it is on 10th March, it was celebrated as a International Kidney Day. On that day, the idea is to make people aware on mass level that kidney is a very precious organ. We should protect it, we should keep it in a healthy state, and if someone has this disease, diagnose it early so that it can be managed, easily managed, and he live for more than 100 years without any major change in his lifestyle. Further, Dr. Pathak walked us through the imperative facets of kidney malfunction and how one can detect it and ultimately cure the ailment. जो अभी तक इंडिया में एक चीज तो है कि रूटीन हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग लोग 50 ईयर के बाद यूजुअली कराते हैं. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी करवाता है, जो फौज में है, फोर्स में है, वो उनका भी होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका भी होता है 50-55, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो फार्मर है, अब उनमें भी अवेयरनेस आ गया है कि 50 के एज में अपना एक रूटीन चेकअप करा लें, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर है, आई का विजन है, ब्लड शुगर है, यूरिन टेस्ट है, एक रूटीन अल्ट्रासाउंड हो जाता है, एक एक्सरे चेस्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन की चेक हो जाती है. इससे आपको जो प्राइमरी हेल्थ केयर गिवर है वो आपको बता देता है कि आपका सब कुछ ठीक है और आपका ये टेंडेंसी है. तो हम लोग बोलते हैं कि आप अपने हेल्थ को कंट्रोल रखो, आप अपने वेट को कंट्रोल रखो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखो, ओबेसिटी से बचो, ये सब चीज है, रात में साउंड स्लीप लो. दीज आर दी वे टू इंश्योर ए हेल्दी लाइफ बियॉन्ड 50. तो इसमें प्रायः किसी न किसी रूप में वो स्क्रीन हो जाता है कि इसका थोड़ा सा यूरिया बढ़ा हुआ या क्रिएटिन बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है, तो इससे तो पता चल जाता है. तो इसके लिए जो जरूरी है कि आप अपने 50-55 के बाद एक हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप तो जरूर करा लें, जिससे कि कोई चीज अनडायग्नोज लेट स्टेज में ना पहुंच जाए और उस टाइम में आप फिर सडन शॉक्ड हो जाए कि हमको इतने मेजर प्रॉब्लम है और हमको पता ही नहीं चला. जैसे रूटीन चेकअप में आप गए और वहां पर अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि आपके किडनी में सूजन है, किडनी फूल गया, या आपकी किडनी छोटी हो गई, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, या अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि आपके किडनी में स्टोन है, या आपके पेशाब के थैली में पूरा पेशाब खाली नहीं हो रहा, पेशाब का रुकावट है जिससे किडनी फूल गया, तो ये सब चीजें पता चल जाती है. ये तो मैं थोड़ा सा लेट स्टेज बताया. अर्ली स्टेज में अगर किसी आदमी के यूरिन में ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा पस आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, तो ये सब साइन है कि ये किडनी डिजीज से रिलेटेड हो सकता है. दूसरी बात कि यूरिया और क्रिएटिनिन,
और यूरिक एसिड, ये तीन ब्लड टेस्ट होता है जो कि किडनी फेल्योर में डिरेंज हो जाता है। इसमें सबसे सेंसिटिव क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मली 1.2 से नीचे होता और हमारे शरीर में 65% रिजर्व दिया हुआ है किडनी का, कि जब तक 2/3 किडनी खराब नहीं होता तब तक ये क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन 1.2 से 1.4 हो जाता है, इसका मतलब कि उसका किडनी कॉम्प्रोमाइज हो गया 2/3। अब 1/3 किडनी ही लगभग बचा है जिसके कारण उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया। अब ये दो चीजें होती है, एक तो होता है रिवर्सिबल कि कहीं यूरेटर में स्टोन फंस गया, उससे क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो आपको कॉज मिल गया, आपने उसको ट्रीट कर दिया, वो ठीक हो गया, द प्रॉब्लम इज ओवर। बट अब कोई कॉज नहीं मिल रहा है कि क्यों क्रिएटिनिन बढ़ गया, तब तो फिर सोचते हैं कि इसके किडनी के अंदरूनी कोई गड़बड़ी हो गई है, यूरिन में प्रोटीन आने लगा या किडनी का साइज छोटा हो गया। किडनी की अल्ट्रासाउंड में एक इकोजेनिसिटी आती है, वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम लोग इनिशियल स्टेज में ही पता कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग में कि इसको किडनी डिजीज हो सकता है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता है या इसको यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि इसके दोनों यूरेटर में स्टोन आ गया या इसके पेशाब के रास्ते में स्ट्रक्चर हो गए या प्रोस्टेट बढ़ गया जिससे किडनी फूल गया और उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो ये चीजें हैं, ये चीज इनिशियल स्टेज में स्क्रीनिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं। The government of India is running various initiatives like Pradhan Mantri National Dialysis Program, which provides free of cost dialysis services to all BPL patients. Treatment of kidney diseases is also available under Ayushman Bharat scheme. We understood the effectiveness of these initiatives for affordable and timely treatment. Let's see. ये चीजें आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले मैं देखता था कि जिस किसी को भी किडनी डिजीज हो गई, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो यूजुअली लोग समझते थे कि अब ये बचेगा नहीं, क्योंकि ये किडनी धीरे धीरे खराब होगी, क्रिएटिनिन बढ़ेगा और उसके बाद फिर ये एक दिन इसकी अंत हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में जहां वो रह रहा है ना डायलिसिस की सुविधा है और ना इसके पास फिनेंशियली इतना है कि वो शहर जाके डायलिसिस करवा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायलिसिस की आवश्यकता की है और ये इफेक्टिव है। और इस किडनी नेशनल किडनी डे के तहत मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं या सबर्बन में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में, तो आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो मुखिया है, पंचायत है और सरपंच है, आपके काउंसलर हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, आप इसके संपर्क में जाएं और इसके थ्रू जो 3-4 गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा लें। जैसे एक प्रधानमंत्री किडनी डायलिसिस प्रोग्राम है, उसके वो उसमें आप जाएं, उसका फायदा लें। ये बहुत जगह इफेक्टिव है और बहुत मरीज शहर से इलाज करा के आते हैं और फिर अपना रेगुलर डायलिसिस वहां करा रहे हैं। ये है अभी अपनी, आपको अवेयरनेस होना चाहिए और आप अपने लोकल जो इलेक्टिव आपके जो लीडर हैं उसके कांटेक्ट में रहें, क्योंकि अंटिल अनलेस वो आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ आप गरीब हैं, आप जाइए वहां इस चीज का फायदा लीजिए। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर किडनी डायलिसिस प्रोग्राम भी है कि हेल्थ मिनिस्टर अपने डिस्क्रिशन से आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए या डायलिसिस के लिए आपको कुछ फंड दे सकता है, लेकिन ये सब माध्यम आपको अपने निर्वाचित सदस्य के थ्रू ही जाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। टुडे इंडिया इज आल्सो मूविंग विद हाई एंड किडनी ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट। डॉक्टर पाठक शेयर्स हाउ दिस लैंडमार्क डेवलपमेंट इज टेकिंग शेप इन इंडिया। आज से 10 ईयर बैक नंबर ऑफ सेंटर हु आर डूइंग किडनी ट्रांसप्लांट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज और वो काफी बढ़ गया। बीच में कुछ ऐसा आया था कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में फिनेंशियल लेन देन होते थे तो उसके कारण बदनामी होती थी बहुत तरह की, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्ट लाया है कि कौन आदमी किडनी डोनेट कर सकता है, ब्लड रिलेटेड होना चाहिए या डायरेक्ट फैमिली रिलेशन में होना चाहिए। या एक गवर्नमेंट की और अच्छी है
कि अगर अनरिलेटेड डोनर है तो डोनर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो रिसिपिएंट से ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ये फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चाहे वो फ्रेंड है या कोई है। इसके लिए एक कमिटी होती है हर एक रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर पे, जो ये डिसाइड करती है कि ये जो वॉलंटरी डोनेशन हो रहा है किडनी का वो आउट ऑफ एनी फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, एक तो ये है। लेकिन अब क्योंकि जो डोनर है उसमें मॉर्बिडिटी बहुत कम होता है, लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से आप किडनी निकाल करके उसके रेसिपिएंट में लगा देते हैं, तो वो लगभग एक दो दिन में ही फिर वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है। दूसरी बात कि एक और भी सोर्स है किडनी का जो कि ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, उसको कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं, वो भी कुछ सेंटरों में अवेलेबल है। अगर किसी को डोनर नहीं है, लॉन्ग टाइम से डायलिसिस पे है, तो वहां पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर एक जो मेजर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में अभी 6,000 ट्रांसप्लांट होने का गंगाराम में एक ख्याति मिला है गंगाराम हॉस्पिटल को, डॉक्टर डीएस राणा को इसलिए सम्मानित भी किया गया था। तो ऐसे बहुत से सेंटर है जहां पर कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट भी होता है, और उसमें जो ब्रेन डेड पेशेंट है उनकी किडनी किसी नीडफुल पेशेंट को जिसका कि ब्लड ग्रुप मिल जाता है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि हम लोगों के यहाँ एक स्वैप का भी टेक्निक है। स्वैप का ये मतलब है कि अगर दो पेशेंट है किडनी का और दो डोनर है, लेकिन उसका जो कंजुकेटिव रेसिपियंट है उसका ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा, जबकि दूसरे पेशेंट का मैच कर रहा है ज्यादा अच्छा, तो उसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जो ज्यादा मैच किडनी होता है उसमें कम इम्यूनो सप्रेसेंट की आवश्यकता पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो वो स्वैप टेक्निक, वो जो किडनी ट्रांसप्लांट का बोर्ड है वो उसको एडजस्ट करके चेंज कर देते हैं कि आप अपना इनको दे दीजिए, आप इनको दे दीजिए, तो आपकी जो सुटेबिलिटी है किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट वो उससे बढ़ जाता है। तो ये तो चीजें हैं। अब मैं आपको ये भी बता कि सब पेशेंट को स्टार्ट में ही किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती है। इनिशियली अगर आपने किसी को, मान लो किसी का क्रिएटिनिन 3 है या 2 है, तो वो अगर अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखेगा, और क्रिएटिन बता सकते हैं सर क्रिएटिन क्या है जैसे हम बात कर रहे हैं? क्रिएटिन एक ब्लड का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हम लोगों के बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाद निकलता है, और किडनी उसको साफ करता है, फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। तो ये अगर किसी का 1 से 2 हो गया, अब वो दवा से नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो उसको कुछ मेडिसिन लेना है और अपने डाइट और अपने एक्टिविटी को बहुत मेंटेन रखना, जिसमें 3-4 चीजें। एक तो उसको हर हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी दवा न लें जिससे किडनी डैमेज होता। जैसे नॉर्मली हर एक इंसान साल में 1-2 बार वायरल हो जाता है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, लूज मोशन हो गया, पार्टी में गया खाया लूज मोशन हो गया, तो उस टाइम में वो दवा खाता है, तो उस टाइम में उसको ध्यान रखना है। एक तो कोशिश करना, अगर कोई किडनी का पेशेंट है जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कि किसी ऐसे आदमी के संपर्क में न जाए जिसको कि अभी तुरंत वायरल हो रहा है, या किसी पार्टी में जाए और कुछ कम से कम वहां खाना खाएं, अपने घर का खाना खाएं, जिससे कि उनको अगर छोटा मोटा ये एलिमेंट होगा जो कि कॉमनली होता है, तो उसमें फिर वो हल्का सा क्रिएटिनिन बढ़ जाए जो कि फिर वापस नहीं है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो उनको उसको अवॉइड करना है। अगर साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, जो आइडियल वे में होता है 120 से 80 ब्लड प्रेशर रखना है, ब्लड शुगर भूखे पेट 110 से 20 के बीच रखना है, और खाना खाने के बाद 160-170 के अंदर रखना है, तो इससे वो नॉर्मल लाइफ बिता सकते। लेकिन जो पेशेंट 5-6-7 क्रिएटिनिन के लेवल पे पहुंच जाता है, अब उसको भूख नहीं लगता है, उल्टी होने लगती है और बहुत वीकनेस आता है, उसका खून
बनना कम हो जाता है, क्योंकि किडनी में एक एरिथ्रोक्वाइटिन हार्मोन निकलता है जो ब्लड को बनने में मदद करता है, उसकी कमी हो जाने से हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो उसके लिए इंजेक्शन मिलता है, वो लगवाते हैं लोग। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि आप मेंटेन कर सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लेवल से पहले ही आप ठीक रह सकते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ESRD, एंड स्टेज रिनल डिजीज, जब किडनी काम करना बहुत कम कर देता है, जिसका GFR एक टर्म है किडनी के टर्म में, कि उसका दोनों किडनी मिला के GFR जो 100 होना चाहिए वो 10 से कम हो जाए, मतलब 1/10 फंक्शन कर रहा है, तब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आप डायलिसिस बहुत ज्यादा कराना पड़ेगा, लगभग हर एक दूसरे दिन कराना पड़ेगा, तो बेटर है कि फिनेंशियली और आपके हेल्थ वाइज भी कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, तो आपका लाइफ फिर ठीक रहेगा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी आप किसी एक्टिव इन्फेक्शन के डिजीज से दूर रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क पहने, ये सब चीजें हैं जिससे कि आप अपने किडनी के डिजीज होने के बावजूद भी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिता सकते। दिस इज इट इन टुडे सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।